ट्रेन में सफर करना किसे पसंद नहीं होता। आराम से खाना, एसी, सोना, फन करना, सब कुछ एक ही ट्रिप में। लेकिन आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे डेंजरस रेलवे ट्रैक जिन्हें देखकर आप भूल कर भी इनमें सफर नहीं कर पाएंगे। इनमें से कुछ ट्रैक ऐसे हैं जिसको बनाने में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कुछ ऐसे हैं कि यहाँ कमजोर दिल वालों को जाना सख्त मना है। आइए जानते हैं दुनिया के ऐसे ही कुछ खतरनाक रेलवे ट्रैक। सबसे पहले शुरू करते हैं भारत से। रामेश्वरम रेलवे ट्रैक चेन्नई, यह दक्षिण भारत का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक है। यह ब्रिज 2014 में बनकर तैयार हुआ था। इस ट्रेन में सफर कर रहे यात्री जब ट्रेन से बाहर देखते हैं तो उन्हें समंदर की खतरनाक लहरें दिखाई देती हैं और जब यह उफान पर होती हैं तो दिल दहला देती हैं। कमजोर दिल का इंसान या पानी से फोबिया वाले मनुष्य के लिए यह और भी खतरनाक हो जाता है। दूसरी बात कर लेते हैं डेथ रेलवे ट्रैक थाईलैंड की। इस ट्रेन की लंबाई 415 किलोमीटर है। यह इतना खतरनाक है कि सन 1947 में इसे बंद कर दिया गया था। कारण था, इसको बनाने में लगभग 290,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी नदी में गिरने की वजह से। इस दुर्घटना के बाद 1957 यानी 10 साल के बाद इसे फिर से खोल दिया गया, लेकिन आज भी ये बहुत ज्यादा डरावना और कमजोर दिल वालों के लिए एक अभिशाप है। तो यहाँ पर अगर सफर करने का सोच रहे हैं तो सोच समझ कर सफर करिएगा। तीसरी बात कर लेते हैं डेविल सिनोज रेलवे ट्रैक की। ये इक्वाडोर में है। यह 12 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जिसमें एक ओर पहाड़ी और दूसरी ओर खाई है। 1905 में बनाया गया यह इंजीनियरिंग का सबसे खूबसूरत नमूना है, लेकिन इसको बनाने में सैकड़ों लोगों की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई थी, जिस कारण इसे डेविल नोज या शैतान की नाक भी कहा जाता है। अगर आप ट्रैवल करने के शौकीन हैं और एडवेंचर पसंद करते हैं तो एक बार इस पर सफर जरूर करें, क्योंकि डर के आगे जीत है। चौथे नंबर पर बात करते हैं मैकलॉक मार्केट रेलवे ट्रैक थाईलैंड की। वैसे तो यह ट्रेन सफर करने वालों के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन बाहर वालों के लिए यह बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर रेलवे पटरियाँ शहर की मार्केट के बीचों बीच से होकर गुजरती हैं और सबसे मजे की बात यह है कि पटरियों के पास ही यहाँ पर सबसे बड़ी सब्जी मार्केट लगती है। जगह की कमी के कारण यहाँ पर लोग अपनी दुकान लगाते हैं और ट्रेन की आवाज आते ही यह अपनी दुकान समेटने लगते हैं और फिर से ट्रेन के जाने के बाद वही दुकान का रवैया शुरू हो जाता है। इनके और ट्रेन के बीच में मात्र 1 फीट का ही फासला रहता है, जिसके कारण बच्चों और बुजुर्गों को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ता है। फिफ्थ नंबर पर बात करते हैं ट्रेन ऑफ द क्लाउड अर्जेंटीना। इसका निर्माण 1948 में किया गया था और इसको बनाने में कुल 27 साल लगे थे। इस ट्रेन को ट्रेन ऑफ द क्लाउड भी कहा जाता है। इस ट्रेन की पटरी जमीन से लगभग 220 मीटर की ऊंचाई पर है। ट्रेन 21 सुरंग और 29 पुलों से होकर गुजरती है। यह ट्रेन एंडीज माउंटेन से होकर गुजरती है, जिस कारण ये बहुत ज्यादा खतरनाक रूट से होकर आगे बढ़ती है। छठे नंबर पर बात करते हैं एसो सिनामी रूट जापान की। यह रूट जापान का सबसे खतरनाक रूट माना जाता है। इस पटरी का कुछ भाग एक पुल से होकर गुजरता है जो दोनों ओर से खुला होता है और आगे यह एसो मिनामी ज्वालामुखी से होकर गुजरता है। आप सफर करते वक्त इसके पास जलते हुए लावा को देख सकते हैं। अगर इन ट्रेनों के जानने के बावजूद आप यहाँ पर जाने के इच्छुक हैं और एडवेंचर को पसंद करते हैं तो यहाँ का लुत्फ एक बार जरूर उठाएं। लेकिन उससे पहले अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।